अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू टी वी इज़ बैक विद समथिंग वेरी अल्यूरिंग एंड अट्रैक्टिव। टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स इन पाकिस्तान ईयर 2020। बिफोर वी स्टार्ट वॉचिंग एंड एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पाकिस्तान कुदरती मनाजिर और उनकी दिलकशी से माला माल है। यहाँ हर तरह के मौसम आते और जाते हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती चाहे वो बर्फ़ की चादर ओढ़े पहाड़ हों या तपते सहरा, दरियाओं का बहता पानी हो या कराची का समंदर, लाहौर का खाना हो या इस्लामाबाद की साफ कुशादा सड़कें, दुनिया इस खूबसूरती को मानती है। दुनिया के बेहतरीन लग्जरी ट्रैवल मैगज़ीन ने पाकिस्तान को 2020 का नंबर 1 हॉलीडे डेस्टिनेशन करार दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में सियाहत के दरवाजे फिर से खुले। बेशक पाकिस्तान में एक से एक खूबसूरत और दिलकशी से भरपूर खूब कुदरती मनाजिर मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी जगहों की जो बेहतरीन सियाहती मुकामात हैं। वादी गोजल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा में वाक़िया है, जिसकी सरहदें चाइना के खंजराब पास और अफगानिस्तान से मिलती हैं। वादी गोजल बहुत ही मशहूर झीलों, पहाड़, ग्लेशियर और खूबसूरत गांवों का घर है। बहुत से सियाहती मकामात वादी गोजल का हिस्सा हैं। वादी गोजल को अपर हुंजा भी कहा जाता है। 2019 में वादी गोजल जिला हुंजा की सरहदी सब डिवीज़न बनी, जो कि जोग्राफियाई लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी सब डिवीज़न है। आइनाबाद इस वादी का सबसे पहला गाँव है। शिमशाल, मिसगढ़, चिपरसन वादियों के अलावा गोजल के तमाम गांव कराकरम हाईवे, जो वादी गोजल को क्रॉस करके खंजराब पास से चाइना जाती है, वहां से साफ साफ दिखाई देते हैं। वादी गोजल में शिशकत का मुकाम देखने से ताल्लुक रखता है, जहां अताबाद झील भी मौजूद है। अताबाद झील अताबाद गांव के 4 जनवरी 2010 में लैंडस्लाइडिंग की नज़र होने के बाद वजूद में आई। वादिया कैलाश सूबा बलोचिस्तान के ज़िला चित्राल में वाक़िया है। वादिया कैलाश के लोग एक मुनफरिद सकाफत और ज़बान के लोग हैं और कदीम हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं। वादिया कैलाश हमेशा से पाकिस्तान और गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। कैलाश 3 मेन वादियों पर मुश्तमिल है, जिनमें बुमरिद सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा गुंजानाबाद है। इसके शुमाल में रुम्बर जबकि जनूब में बिरर वाक़िया है, जो कि मिलकर एक जजीरा बनाते हैं और यहाँ पुरानी रसूमात को फॉलो किया जाता है। वादी कैलाश की ये वादियाँ हिंदुकश के पहाड़ों से घिरी हुई हैं। अगर आप किसी फेस्टिवल के दौरान कैलाश जाएं, तो वहाँ खाने पीने और रक्स के मनाजिर आँखों के लिए सुकून परवर होंगे। रंग बिरंगे कपड़े और त्यौहार इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। झील सैफुल मलूक वादी कागान के शुमाली अख्ताम पर नारान के करीब सैफुल मलूक पार्क में वाक़िया है। यह सतह समुंदर से 3,224 मीटर बुलंद होने की वजह से पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। सैफुल मलूक झील का पानी नीला, शफाफ और ठंडा होता है। इसके पीछे बर्फ की चादर ओढ़े चोटियाँ होती हैं। झील सैफुल मलूक का नाम एक बादशाह के नाम पर रखा गया, जिसके पीछे एक पूरी लोक कथा है, जो एक सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने लिखी। उनकी उस लोक कथा के मुताबिक राजा सैफुल मलूक और रानी बदरुद्दजमाला की मोहब्बत इसी झील से शुरू हुई थी। खपलू महल एक पुराना महल और किला है, जो कि खपलू गिलगित बल्तिस्तान में वाक़िया है और एक तामीराती विरसा होने की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज बनता है। ये किला 19वीं सदी में करीब ही एक किले की जगह पर बनाया गया, जो कि खपलू के राजा की रिहाइशगाह थी। 2005 से 2011 के अरसे में ये महल आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के अंडर एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट बना। अब इस महल में एक होटल है, जो कि सरीना की तरफ से ऑपरेट होता है, और बल्तिस्तान की सकाफत की अकासी करता एक अजायब घर इसी में मौजूद है। खपलू महल सतह समंदर से 2600 मीटर की बुलंदी पर वाक़िया है। In 2013, Palace was awarded by the award for distinction by UNESCO Asia Pacific Heritage Awards, along with Lal Chimney Compound in India and the Great Sarai in Afghanistan.
पाकिस्तान के सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर मुख्तलिफ तारीखी और तामीराती असासे समेटे हुए है, जिनमें शाही किला, बादशाही मस्जिद, शाही हमाम, मस्जिद वजीर खान, पुरानी फूड स्ट्रीट वगैरह शामिल हैं। अंदरून लाहौर इसी लाहौर का एक सकाफती दिल है जिसमें हर तरह के रंग मौजूद हैं। वो शहर जिसने बहुत से मुसन्निफों और शोरा को जन्म दिया। अंदरून शहर की एक अपनी ही रौनक है और ये तवज्जो का मरकज भी शायद इसीलिए है कि ये कभी वीरान नहीं होता। बाजारों में लोगों का समंदर ठाठे मारता रहता है। ये अंदरून की रौनक और सकाफती विरसा ही है जिसके लिए कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमया ही नहीं। कतास राज टेंपल, जिसे किला कतास भी कहा जाता है, ये बहुत से हिंदू मंदिरों का एक ग्रोह है जो छोटे छोटे रास्तों से एक दूसरे से मिलते हैं। हिंदू नजम महाभारत में इसका एक अहम किरदार है। ये सियाहों के लिए एक तारीखी जगह है। इस किले में मौजूद दो कनाल 15 मरले पर फैले और 20 फुट गहराई के तालाब के पानी को हिंदू मुकद्दस समझते हैं और इस तालाब का नाम कतास है। ये किला M2 मोटरवे के करीब तरीन है। ये मंदिर शिवरात्रि के लिए लोगों के हजूम से भरा होता था और ये सिलसिला 1965 की जंग तक चलता रहा, जिसके बाद 1984 तक हिंदुओं को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये मंदिर पंजाब में ज्वालामुखी मॉडर्न हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरी मुकद्दस जगह है। मोहिंजोदड़ो जिला लाड़काना में दरियाए सिंध के करीब वाक़ है, जिसको सिंधी में मुर्दा आदमियों का टीला जबकि हिंदू जुबान में मोहन का टीला भी कहा जाता है, मोहन यानी कृष्ण। ये सिंध में आसारे कदीमा का एक मुकाम है जो सिंधी तहजीब की सबसे बड़ी बस्ती है। 2500 कबल अज़ मसीह बनाया गया। 1980 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया जिसमें कदीम मिस्र की तहजीब भी मौजूद है। मोहिंजोदड़ो को 19वीं सदी में बंद कर दिया गया क्योंकि सिंध तहजीब को जवाल आ चुका था और फिर इसे 1920 के करीब दोबारा दरियाफ्त किया गया। बूरबन पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक छोटा सा कस्बा और हिल स्टेशन है। ये अपनी खूबसूरती और आबोहवा की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन ये अयूबिया नेशनल पार्क में अपनी हाइकिंग ट्रेल्स की वजह से जाना जाता है। भूरबन के 5-स्टार होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल में कुदरती मादनी पानी के अपने ज़राए मौजूद हैं। भूरबन कश्मीर और मरी के दरमियान 6000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। भूरबन का नाम करीबी जंगल के नाम पर रखा गया और इसके अलावा भूरबन हैज़ अ 9-होल गोल्फ कोर्स। भूरबन में रहने वाले लोगों के अबाओ अजदाद ने 14 से 15वीं सदी के दौरान इस्लाम कबूल किया। भूरबन के कबाइल के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं जबकि इनमें से कुछ तालीम और रोजगार के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद और दीगर शहरों में जाते हैं। नथिया गली खैबर पख्तूनख्वा के जिला एबटाबाद का एक रिजॉर्ट है। नथिया गली गलियात के वस्त में मौजूद है और अपने मौसम, हाइकिंग ट्रेल्स और खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। नथिया गली मरी और एबटाबाद से 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। 8000 फुट की बुलंदी पर होने की वजह से ये गर्मियों में सियाहों की तवज्जो का मरकज रहता है क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा, खुशगवार और धुंधला होता है। इसके अलावा नथिया गली देवदार, बलूत और सनोबर के दरख्त के साथ साथ सरसब्ज मरगजारों की वजह से भी बहुत मशहूर है। ये जगह मक्की, ठट्टा और सिंध में वाक़ है। मकली दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है। ये तकरीबन 5 लाख से 10 लाख मकबरों पर मुश्तमिल है जो 400 साल के अरसे में बनाए गए। इसमें मुख्तलिफ उलमा कराम और सूफिया के मकबरे हैं। ये सिंध तहजीब का एक शानदार अहदनामा है। मकली का नाम एक सूफी पीर हमाद जमाली ने रखा जब उन्होंने एक हाजी की कहानी सुनी कि वो इसी जगह पर आकर रुका और अपने रूहानी जोश में ये कहने लगा कि मेरे लिए यही जगह मक्का है, जिसके नतीजे में इसका नाम मकली रखा गया। इस जगह के कब्रिस्तान बनने की भी एक तारीख है और वो ये कि एक सूफी पीर जमाल शेख ने यहाँ खानका बनाया हुआ था और फिर उनकी वफात के बाद यही दफना दिए गए। उसके बाद 14वीं सदी के एक तरखान हुक्मरान ने ख्वाहिश जाहिर की कि इन्हें सूफी पीर के करीब दफनाया जाए।
और यूं ही ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता चलता गया और ये जगह कब्रिस्तान की शक्ल अख्तियार कर गई। आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंट्रिगिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, कॉमेंट डाउन योर क्वेरीज और सजेस्ट सम एंटरटेनिंग टॉपिक्स फॉर आर अपकमिंग वीडियोज। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।